शरणम भव राम राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बप एको, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनया अचरज न मान है जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरणो रघुवर बिमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना, जय श्री आदि गणेश। आके माता शारदे, मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं, विपते विदारन हार। लज्जा मेरे राखियो प्रभु नंदी के असवार। एक बार प्रेम से बोलो श्री ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। सभी भक्तजन उच्च स्वर में जय घोष करें। अवसर बार बार नहीं आता है, परमात्मा की कृपा है जो अवसर मिला है सब लोग लाभ लेवे। जय बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान, जिनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। यत तत्र से पधारे सभी सत्संग प्रेमी भक्तजन, माताएं बहने बाल गोपाल, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक सभी सहयोगी गण, सभी पुण्य आत्माओं को यथाउचित अभिनंदन वंदन। सभी का हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में है। आओ सभी भक्त आनंद लाभ लेवेंगे कथा का। चंद पंक्तियां बांके बिहारी के चरणों में समर्पित रहेंगी।
अब सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए भाव से भजन करें। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, अपने गोपाल गिरधारी का ध्यान करिए, बोलिए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो संवरिया उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो संवरिया उधर देखना है, और है मालिक परमात्मा। अगर तुम हो दीनों की आहोत के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों का पुनी असर देखना है, तो आहों का अपनी असर देखना है, तो आहों का अपनी असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना हो। विदुर भीलनी के घर तुम न देखे, विदुर भीलनी के घर तुम न देखे, हमें भी तुम्हारा श्याम घर देखना है, हमें भी तुम्हारा मोहन घर देखना है, हमें भी तुम्हारा, हमें भी तुम्हारा, हमें भी तुम्हारा श्याम घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है,
हो सरकार दीन बंधु टपकते हैं गंगा बिंदु तुमसे टपकते हैं गंगा बिंदु तुमसे ये कह कर तुम्हें अपनी उल्फत में दर देखना तुम्हें अपनी उल्फत में दर देखना है तुम्हें अपनी उल्फत में दर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर 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 देखना है इधर तुम छुपे हो मुरारी उधर देखना है इधर तुम छुपे हो मुरारी उधर देखना है जिधर तुम छुपे हो प्रभु जी उधर देखना कन्हैया तुम्हें नजर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है इधर तुम छुपे हो उधर देखना जिधर तुम छुपे हो मोहन उधर देखना है इधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है आइए सभी भक्त भजन कर लेंगे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद भगवान की हो श्री सच्चे दरबार की हो राम राम ओम हरि ओम हा ओम हरि ओम महागणान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनं त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा गायत्री तुष्टुं जगत्या नुष्टपंतिया सहा बृहत्सृणीहा ककुप्सूचीभिः संयन्ति त्वा द्विपदा जा चतुपदा त्रिपदा जा षट्पदा विछंदा जा सछंदा सूची भी
संयुक्त द्वा सह तो सह छंदस आवृत सह प्रमाणिकय सप्तदेव्या पूर्वे खंपंथ मनुष्य धीर अन्वाले भीरे रथियो नर्ष्मिन्न जगजागृतो दूर मुदेति दैवं तदसुप्तस्यादथैवेति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेखान तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीखिलो जिघ्नेन कृणवन्ति विदधे खुधीराः यत्पूर्वं चक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु च प्रज्ञानमुत चेतो घृतसज्ज ज्योतिरन्तर मृतं प्रजासु स्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जेनेदं धूतं भुवनं भविकत् परिग्रहीतं मृतेन सर्वं येन जिज्ञसायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्मन्नरेत्रः सामज जग्गुं किजमें प्रतिष्ठिता रथना भावि वाराः जस्मिश्चतगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरिः ओं नः सहस्रशीरिखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वति स्मृत्वा तश्चित्तसाङ्गुलं पुरुक एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यथभाव्यं मा उतामृतस्य सानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु ध्यायाश्च पुरुखः पादोऽस्य स्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वौ दैत्पुरुखः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विखवं विक्रामत्यासनानि सने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः स जातोऽत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञात् सर्वहूतः संक्रतं प्रखदाज्यं मा पशुस्तश्चग्रेवाव्यानारण्या ग्राम्याश्च जेतस्माद्ज्ञात् सर्वहूतरिचः सामानि जग्निरे छब्दागुंसि जग्निरे तस्माद्धजायत तस्माद् स्वाजायन्त एकेतोभयादतः गावो हजग्निरे तस्माद्जाता अजावयः तं जिघ्नं परहि प्रोक्षन् पुरुखं जातमिकृतः तेन देवा अयजन्त साध्य निखैषजे यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किं स्यासीत् किं बाहू किमुरुपादौ चेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः कृतः ऊरु तस्य द्वैष्यः व्याघ्रं शूद्रौ वजायत चन्द्रमा मनसो जातिक्षोः सूर्यौ वजायत श्रोत्रान्द्वैष प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदं तरिषगुं शिष्णोर्देवौ समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रं तथा लोकान् कल्पयन्नः यत्पुरुखेण हविखा देवा जिज्ञमतन्वत् वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीग्मद्महाशरधविः सप्तास्यासन् परिधयश्रीः सप्तसमिदः कृताः देवा जिज्ञतन्वानः अब्धनं पुरुखं प्रसुम्मान् जिघ्नेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संप्रतः पृथ्वी रसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदद्रूपमेतिर्तन्मर्तस्य देवतमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुखं महत्तमाद्यवृणं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतुर्मेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य ज्योतिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्नः तत्सर्वभुवनानि विश्व जो देवेभ्य आदपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्रह्मं जनयं तो देवा अग्रे तदब्रुवन्नाजस्वै ब्रह्मणो विद्यतस्य देवा असद्वसे श्रीशते लक्ष्मीश पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तं माश्रन्निखाड़ा मुम्बईखाड़ा सर्वलोकं नैखाड़ा हरिः ॐ महा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिख्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृष्णिमातरः शुभं ज्ञावानो विदथे कुजमयः।
हरि ओम राम राम। हरि ओम राम। राम आओ एक बार राम नाम हो जाए के राम नाम नदी आया गमो बह जाए हमें कोई कोई ना है हमें कोई कोई ना है। राम नाम नदिया गम बह जाए हो हे राम नाम नदिया गम बह जाए हमें कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए। अरे नारद नहाए हमें बीड़ा बजाए हे हो हे नारद नहाए हमें बीड़ा बजाए कोई कोई नहाए हमें कोई कोई राम नाम नदिया अगम बह जाए राम नाम नदिया अगम बह जाए हमें कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। कहो राम नाम नदिया अगम बह जाए राम नाम नदिया अगम बह जाए हमें कोई कोई नहाए हमें कोई कोई जे नहाए प्रहलाद नहाए नहाए प्रहलाद नहाए हर मीरा नहाए हमें घूंघर बजाए मीरा नहाए हमें घूंघर बजाए मीरा नहाए हमें घूंघर बजाए कोई कोई नहाए भाई कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गमे बह जाए कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बह जाए हमें कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गमे बह जाए कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बह जाए हमें कोई कोई नहाए कोई कोई नहाए 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 हमें कोई कोई नहाए। जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने
हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। सब लोग मुझ उठा ले एक बार धीरे से जयकारा लगाओ। बोलो वीर बजरंग बली की। बोलो सच्चे दरबार की। धन्यवाद। ही हर्षोल्लास के साथ में धीरे धीरे ये कार्यक्रम अब समापन की ओर बढ़ रहा है। ये सरकार की बड़ी आशय मनुकंपा रही जो कि ये कार्यक्रम 5 दिन का सुखद सत्संग, हालांकि देवराज इंद्र बीच बीच थोड़ी थोड़ी बौछार भी कर दिए हैं, हम लोगों के मध्य में बस आज और कल का सत्संग शेष है। कल दिन में कुमारिका भोज और भंडारे का कार्यक्रम रहेगा और कल आप लोगों की सेवा और हम कर रहे हैं, फिर आप सभी से विदाई लेंगे। आने वाले समय में मई के महीने में आपके ही आसपास फिर आ रहा हूं। टिठई में 7 दिन की सेवा है। वैसे मई में जनपद हरदोई में ही रहेंगे हम लगभग 3 मई से 9 मई तक रहेंगे हत्याहरण तीर्थ, और 10 मई से 16 मई ग्राम हरहा पमाया, और 23 मई से 29 मई तक रहेंगे आपके टिठई में। देखिए उन परमात्मा की जब कृपा होती है, भगवान की कथा सुनने में अच्छी जब लगती है, जब भगवान की कृपा होती है। संतों का मिलन, संतों का दर्शन कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। विभीषण ने कहा है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अबिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कथा भी बड़ा भाग्य से मिलती है, बगैर उनकी कृपा के संभव नहीं है। काहे के बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बगैर भगवान की कृपा के सत्संग में जाना भी संभव नहीं है। और ये 5 दिनों का सुखद सत्संग रहा, कथा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी की चल रही है, और अब समय इसीलिए 5 दिनों का समय था तो सुखद सत्संग ही रखा गया। राम जी की चर्चा चलती ही रही
और आज हमारे पास बहुत ज्यादा निवेदन है, कुछ भजनों के हैं, चेतावनी भजन, कृष्ण भजन, गुजरिया, गुजरिया मान रही रही है, और कथा के माध्यम से निवेदन आया था कि थोड़ी कन्हैया जी की भी गाथा हो जाए। वैसे राम है सो श्याम है, श्याम है सो राम है, और राम ही से श्याम और श्याम ही से राम है। राम गौने के लिए भी बड़ा, हालांकि ये कथाएं तो खूब आप लोग सुने हैं कैसेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से। जो त्रेता में राम है वही द्वापर में श्याम है। हाँ, कुछ ऐसी कथाएं थी सतयुग के, कुछ अधूरे वचन सरकार ने त्रेता में पूरे किए हैं, और त्रेता के कुछ अधूरे वचन वो मालिक द्वापर में पूरे किए हैं। और हर एक कथा के माध्यम से हम लोगों को प्रभु ने उपदेश ही दिया है। देखो, राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम, और वही राम जब श्याम के रूप में आए तो ये हो गए लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम की कथा तो वो कथा है, पढ़ो सुनो और उनके पगचिन्हों पर चलने का भी प्रयास करो, क्योंकि नाम ही है रामचरित मानस यह नामा। और भगवान कन्हैया की कथा पढ़ लो, सुन लो, थोड़ी बहुत चाहे कह लियो, लेकिन सब लीला कन्हैया की करे हो, न सोचो, मत डरे जियो। और क्या, भगवान कृष्ण जो है ना, ये लीला पुरुषोत्तम है। कुछ लीलाएं ऐसी हैं इनकी, जैसे माखन चोरी आदि। अब विचार तो यही करना है, 9 लाख गैया हो, इतना दूध दही जिसके घर में स्वयं होता हो, अब वो पराए घर में चोरी करने जाएगा, लेकिन गए हैं रहस्य में, पराई स्त्रियों के साथ में रात में यमुना के किनारे नाच नाचना, भगवान कृष्ण ने ये जो रास की लीला की है, सब त्रेता का अधूरा रहस्य जो है वही द्वापर में प्रभु ने पूरा किया है। जब राम वनवास होता है, वनवास के समय में कुछ लोगों से भेंट हुई सरकार की, जिनका कल्याण हो गया सो हो गया, और नहीं हुआ तो प्रभु ने उन सबको बताया कि हम मिलेंगे द्वापर में, जब हम कृष्ण के रूप में आएंगे। बोलो सदगुरुदेव महाराज की हो। भाई जयकारे, सब लोग मुझे उठा लो, पैसा नहीं पड़े हैं। बोलो गोविंद भगवान की। वाह, आज कल की सेवा शेष है, फिर देखो कब सरकार की दया हो जो फिर से अवसर आवे। और कहते हैं ना कि अवसर बार बार नहीं आवे। राम ओम हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाहा स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठदेवीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं ज्ञावानो विदथे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमम्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छभिजयत्राः स्थिरैरङ्गै दुष्टवाग्ं स्वस्तनोऽभिवसे महि देवहितप्यदायुः शतमिन्दुसरणो अब्धिदेवा जत्रान् शुक्राचरसन्तनूनां मा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी जिहता
युर्गंतो हो अदितिर देवर अदितिर अंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सप्त्रा हावस्वे देवा अदिति ही पंचजना अदितिर जातम अदितिर जन्तवंता देव हो शांति रंतर जगुं शांति ही पृथ्वी शांति रापहा शांति रोकलया शांति ही वनस्पतया हा शांति विश्वे देवा हा शांति ब्रह्मा शांति ही सर्वगुं शांति ही शांति देव शांति ही सामा शांति दे धी यतो यदा समी हसे ततो नो अभयं करो सन्नहा कुर प्रजाभ्यो भयन्नहा पशुभ्यः शांति भवत हो श्रीमद् महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुत्रभ्यां नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः गुरु देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमद् महागणाधिपते नमः। राम हाँ प्रयास करिएगा सभी भक्त बैठ जाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुम न बोलो एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यवाद। और बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जहि जपति पुरारी उमा सहित जहि जपति पुरारी प्रवेश नगर की जय सब काजा प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा सुमिर पवन सुत पावन नामो सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखी रामो अपने बस कर राखी रामो श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हो सिया राम जय सिया राम जय जय हो सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। एक बार सबके हाथ ऊपर उठ जाए जयकारे में बोलो भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो समय मिला 5 दिनों का। अब भगवान की कथा ऐसी है जो कि ये कभी खत्म नहीं होती है। जितना ही खोजो उतने गहराई है। अब ये 7-5 दिनों में जैसा कुछ समय रहता है वैसी सेवा हम करते हैं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुन आचरज न मान है जिनके विमल विचार। सत्संग जो है 5 दिन का भी बहुत है।
वैसे तो कहते हैं एक घड़ी आधी ते पुण्याद। एक भाई साहब ने तुलसी बाबा से पूछा कि महात्मा ये बताओ कितनी देर का हम सत्संग कर ले। तो तुलसी बाबा ने कहा बेटा ऐसा है 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे अपना घर का काम देखो, 12 घंटा भजन करो। तो इन्होंने कहा बाबा 12 घंटा हम भजन में लगा देंगे, हम बर्बाद जाएंगे। काहे? क्योंकि हमारे पास लंबा कारोबार है। गोस्वामी बाबा ने कहा तो ठीक है, नहीं 12 घंटे तो 24 घंटे में 20 घंटे अपने लिए रखो और 4 घंटे का समय निकाल लो भजन के लिए, सत्संग के लिए। तो बोले बाबा 4 घंटे में भी नुकसान हो जाएगा, फिर कम समय बताओ। तो तुलसी बाबा मारे गुस्सा के बोले 24 घंटे में पूरा समय अपने लिए रखो और मात्र 5 मिनट का समय निकालो भजन के लिए, 5 मिनट का। तो बोले बाबा 5 मिनट से कम की कोई योजना नहीं है। अब सोचो कितना लंबा कारोबार इनके पास है जो कि 5 मिनट भी ज्यादा लग रहे हैं। डॉक्टर यदि कह दें 18 दिन की भर्ती है तो पूरा समय। बाबा ने बड़ा बढ़िया संदेशा दिया है, कौन सा? ओम हरि ओम महाआनो भद्राहा क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीता सद्विदाहा देवानो जथा सद्विद्रते असम्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानं भद्रा सुमतिर्जूयताम् देवाना गुंग्रातिरविनो निवर्तताम् देवाना गुंसख्यमुपसेदि मा भयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं मगं मित्रमदिते दक्षमस्त्रिदम्मा अर्यमणं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्ता तन्नो वादो मयो भुवादो भेखुजन्तर्माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावणः सोमसुतो मयो भूस्तदस्विना सृणुतं धृष्णायुवं मा तमीशानं जगतस्तुखस्पते धियञ्जिनिवं वसे हूमहे वयं मा पूखानो यथा वेद सामृदे रक्षिता पैर्दधः स्वस्तये। राम राम। तो बोले एक घड़ी आधी घड़ी आधे उते पुण्याध तुलसी संगत साध की हरे कोटे अपराध। अब इतना भी समय ना पाए तब फिर भैया ये मानव जीवन बेकार है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन फिर भी अभी आज से लेकर के कल तक का समय शेष है, मगर हर किसी की तो इच्छा पूरी हो पाना तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बहुत पहले जब हमने भजन गाए थे, आज के 18-20 साल पहले चेतावनी भजन, तो उसमें सबसे पहला भजन हमारा यही रहा कि आदमी बनाते बनाते बिगड़ जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं जो हैं कभी पूरी नहीं होती हैं। हम लोगों के अंदर एक बकरी बैठी हुई है, बकरी, और बकरी को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। ध्यान देना, एक राजा ने ऐलान कर दिया कि मेरे वहां एक बकरी है
और एक हफ्ते के अंदर जो कोई इसका पेट भरेगा आधी राज्य लिख दूंगा। दो चार लोग बकरी लाए, खूब खिलाए पिलाए, एक हफ्ते के बाद पहुंचे सरकार, पेट भर गया। राजा साहब ने कहा रुक जाओ पहले हम चेक कर लें। राजा साहब लेकर के हरी घास पहुंचे, और जो लोग बकरी पालते हैं उनको तजुर्बा है, बकरी को कितनों खिलाओ रबड़ी और उसको हरी घास जब दिखाओगे वो घास तब खाने के लिए दौड़ेगी। राजा ने कहा मूर्ख बकरी अभी भूखी है और तू कहता पेट भर गया, ये जला दो इसे फांसी चढ़ाओ। अब जब भाई फांसी चढ़े अब बकरी के लेनदार कोई ना है, लेकिन माया बड़ी अजीब है। दो चार लोग मूड बनाए का हो ले आई पड़ोसी का तो ले आओ, और अठे दिन लेके चलो घास देखाई है, जरूर घास खाई है, जरूर मत डरे गई हो। अब बकरी लेनदार कोई नहीं। एक दिन एक संत जी आ गए, और संत मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख यारो राम भजन में वो सुख ना है अमीरी में, सुख जितना है वो है भगवान की फकीरी बने भक्ति में, अमीरी में सुख नहीं है। उम्मा तो सब टेंशन ही टेंशन रहते, दुनिया की बीमारी, दुनिया का बवाल, अरे पूछो ना। संत जी बोले राजा साहब हाँ बाबा हमने सुना है आप बकरी देते हो। राजा साहब कहला वैसे महात्मा लोगन मारे प्रोग्राम है ना हमारो, भजन करो जाए बकरी चक्कर हम न पड़ो। ए स्वामी जी कहने लगे राजा साहब सबको एक हफ्ते का समय दे रहे हो, हमें तीन दिन का टाइम दे दो, तीन दिन में हमें का पेड़ भर लाई। राजा बोले तो चाहते हो फांसी चढ़ो तो ले जाओ तुम हूं। सुनो बाबा बकरी लाए और जो उन्हें रोज लाए पूरा दिन भूखी राखी ने पत्तों नहीं खवाई, और शाम का पानी पिया सादा बांध दी। अब 24 घंटा बाद बाबा लेके पहुंचे हरी घास, बकरे कसके भूखी रहे घास खान लगी। बाबा ने उठाया डेढ़ हाथ का डंडा और बकरी के रहा थोथन थोथन बजाए और पानी पिया फिर बांध आए, पूरा दिन भूखी रात भूखी। तीसरे दिन बाबा लेके पहुंचे हरी घास, अब बकरे वो सोच रही है जो घास खाऊंगी तो मुंह बजवाऊंगी, बकरी घास नहीं खा रही। महात्मा सीधे राजा साहब के पास आए, राजा साहब की जय हो भाई, बड़ा मेहनत की ना है तभी का पेट भर पाओ। राजा ने देखा कहा स्वामी जी बकरी आधी नहीं रखे हो, और कहा बताई पेट भर लाए ना आधी हो, उसे मुझे हमें नहीं पता है, चेक कर लियो। ए राजा साहब लेके आए हरी घास और बाबा डेढ़ हाथ डंडा ले गया रहे अपने साथ, मारी नहीं खाली धरती पर दो दाएं पटक दी, समझ लो बकरी करंट दौड़ गया। बकरे वो सोचन बाबा मर ही जरूर जो घास खाए, बकरी थोड़ी देर खड़ी रही भाग गई। महात्मा बोले राजा साहब वह का तम पेट भर दिया है, घास खाब अलग रखो घास अब देखो नहीं करी। राजा साहब बाबा के चरण पकड़ लिए, स्वामी जी जो बताओ तुम एक पेट भरे हो कैसे। तो स्वामी जी कहला बेटा यो हमारा है निजी अनुभव। कहा निजी अनुभव का बकरी कोई और नहीं है, बकरी हमारे तुम्हारे अंदर बैठी है, जेका कुछ लोग बकरी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं मन, मन यो है बकरी। पैदल चलते रहे सोचने एक साइकिल ले ली, साइकिल ली फिर मोटरसाइकिल ले ली, मोटरसाइकिल लाई फिर एक चार पहिए की ली, फिर या ली वही तो लग्जरी ली, फिर वही तो लग्जरी ली, मरे जा रहे उन्होंने पूछो कोई इच्छा तो ना आए, वो कहते इच्छा यह रहे पातक मोर ना हो जाए। गरीब आदमी पैसा मांग रहा है और जो बड़े आदमी है उनसे पूछो कुछ चाहिए तो ना है, वो कहते हैं कहूं बताओ आबादी वाली परी हो एक फैक्ट्री और डाल दे।
ये स्थिति है। संत जी ने कहा कि हम पहले अपने मन को यानी अपनी बकरी को मैंने कंट्रोल किया, तब है ये बकरी कंट्रोल कर लिए। जैसे बकरी पेट कभू नहीं भरते, ऐसे मानो के मन के अंदर की विषय वासनाएं कभी भरती ही नहीं है। और स्वामी जी बोले हम अपनी बकरी पर कंट्रोल किया कैसे, एक दिन हमार बकरी कहे लाग माठा पियो, हम मंठा को मिलैया नहीं, मन बड़े जोर लगाए, हम मन से कहा चक्कर में पड़ो, कोई मन भी नहीं करे, जाए के 100 ग्राम माठा ले आन मोल खरीदे, और भर के लोटम माठा 250 ग्राम हमा मिट्टी मिलाएन, और घोर के एक कमंडल माल तैयार हुआ हम पे गए। अब हमका भाई उल्टी तो का कमंडले में रोक लेन, और अपने मन से कहा कि आज तुम माठा पी ले वगाए, फिर उल्टी भाई फिर कमंडल में रोके, और मन से कहा तुम आज माठे पियो, हमका तबाह कर लियो तुम माठे के चक्कर, 4 दाए पियेन हमार मनो आ जाओ ना खाते माठा पी, दूरे देखे मन हटाए दे थड़ा, सन से बने पुराण, लोह से बने भगवती, और मानुष से मुनि होए, कब जब देह पर करे कसौटी, और आशाओं का हुआ खातुमा। बहुत पहले ये भजन मैंने गाया था, और आशाओं का हुआ खातुमा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, आओ सभी लोग आओ ताली बजाते हुए। मैंने कहा था ना सत्संग में ताली बजा लेने से कुछ ज्यादा ही लाभ है, वैसे तो ताली बजा लेने से हम जल्दी बीमार नहीं होते। जब परदेसी और आशाओं का हुआ खातुमा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली देखा देखा करते थे, दूसरे को बताते थे महाराज जी तुम्हारी मृत्यु कब है, लेकिन जब मरने का टाइम आया पोथी उनकी धरी रही, जब मरने का टाइम आया पोथी उनकी धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, और आशाओं का हुआ खातुमा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही।
थोड़ी रहे, किससे हमको कितने लेने, बही के पन्ने मोड़ रहे। विचार किया कि 10,000 उनसे लेना है और 20,000 उनसे लेना है। सुबह रात में काम पूरा हो चुका इनका। क्या हुआ? काल बली का लगा तमाचा, कलम कान पर धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। हो जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक डॉक्टर अपने घर से करण दवा तैयार हुए, दवा उठा के बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए। एक मरीज आया और कहता है, डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी चलो, हमारे पिताश्री मरने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा, हमारे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, हम तुम्हारे पिताश्री को मरने नहीं देंगे। और दवाई लेकर के डॉक्टर साहब चले तो क्या हुआ है? फिसली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। फिसली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। वाह वाह रे, क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति। जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क न होगा एक रत्ती। इसलिए जिसने प्रभु का नाम लिया है, भैया श्याम जी, जिसने प्रभु का भजन किया है, उसकी कमाई खरी रही। जिसने प्रभु का नाम लिया है, या जिसने प्रभु का भजन किया है, अब असली भजन है क्या? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, अब जा रहे किधर, इतना ही बस विचार लो, मानो हो गया भजन। जिसने प्रभु का भजन किया है, उसकी कमाई खरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। और आशाओं का हुआ था तुम, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बनी रही।
जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया परी रहे बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो बोलो श्री सच्चे दरबार की वाह और धीरे बोलो वीर बजरंगबली की बहुत बहुत धन्यवाद श्याम राम।
तब की कच्चा अच्छा बना के रखे हनुमान जी बहु खाई जी और लाओ। ए सास लोगे देखें के बहु परेशान है तो सास लोगे हाथ लगाउन लगी। हम बता चुके हैं सास बहु का रिश्ता कैसा होना चाहिए। पलक बाबा ने तो लिखा है आंख पुतली, अरे पुतली नहीं पूरा दीदे मान ले सास और बहुरिया पलक और दीदा। अगर जो एको गड़बड़ हुई है तो मामला ठीक नहीं। मान लो पलक ना हो खाली दीदे दीदा हो जाए के समय बैठे वो हने जबर बैठी लड़का तो कंचा देखे की डरा के भागी है। और मान लो खाली पलक हो अंदर को आइटम ना हो सवेरे सवेरे लोग तुमका नहीं देखी। ऐसे सास बहू। अब आजकल सास तो कहती है हे भगवान हमका सीता जैसी बहू दियो। और खुद है मंथरा की नानी सीता तुमका कबहू नहीं मिले हैं। पहले कौशल्या बनब सीख ले। हम गारंटी लेते हैं कि कभी भी सास और बहू में लड़ाई हो नहीं सकती। मगर कब? जब सास लोग अपनी बहुओं को बहू मनबे न करें सीधे मांगे बिटिया। और यदि आप बहुरिया को बेटी मान रही हो तो बहुरिया तुमका महतारी मने है जरूर। और नहीं तो समय गवाह है बदल। सोचो पुतो है सेवा करी है कुछ नहीं करी है। काहे दस दस लाख दे के तब आई है तुम्हारे घर फोकट थोड़ो भाई तुम्हारे तो अति औकात ना रहे या गाड़ी खरीद पाते हो भला तुम्हारे घर में गाड़ी तो भाई भाई तब भीख मांगे मुंह फैलाए इतना लूंगा तो उतना लेके आई है सेवा करे थारो भाई घर भर मिलके गौड़ हाथ दबो भाई के और का सज्जनो। हनुमान जी महाराज ने देखा नहीं नहीं ये भोजन नहीं करूंगा माता हम भूखे हैं परोसिए। सीता जी लक्ष्मण जी के पास गई देवर जी क्या है कहीं न जाने कत्ता खाए चुका कहा थे उल लाओ। अरे तो चिल्लाए दो बंदर तो है सिया कहलागी ना है हम लक्ष्मण। दरअसल बात ये है क्या सोचेंगे अयोध्या वाले के राजा घर में खाए कि नहीं। अच्छा हनुमान जी की कमजोरी जानत रहे लक्ष्मण तो बोले मैया एक तुलसी के पत्ती पे राम लिख करके हनुमान को खिला दियो। और जैसे राम नाम अंकित तुलसी पत्र हनुमान खाए लंबी डकार मारे माता जी आनंद आ गया। अब कब नंबर आई है सीता जी कहला गई नंबर तुमका भगाए तब है दम ले का संभव है। सिया ने राम जी से कह दिया। राम जी ने कहा हम ये कह नहीं सकते हनुमान तुम जाओ तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो लगाओ। तो सीता जी ने पूरी टीम को बुलवाया पूरी जनता को और सबको अलग अलग काम सौंपा कि इतने समय से इतने समय तक तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है। हनुमान जी आए एक बानर कहे लगा चलिए हनुमान यहाँ सबको काम बांट दिया गया है और सबको एक एक लिस्ट मिल गई है का लिस्ट में तुम्हारा नाम है नहीं है। प्रभु मेरा नाम क्यों नहीं। राम मुस्कराए बोले भैया अपनी माता जी से पूछो फोटो न बिगड़े बैठे बना लो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बोले राम कृष्ण लाल की जय हो। बड़ी सुविधाएं हो गई हैं जब से मोबाइल फोन आ गए। हाँ हाँ तो ध्यान दे हनुमान जी महाराज माता सीता जी से पूछ रहे मैया ये जब आपने नियम बनाया तो फिर लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है। सीता बोली बेटा पहली बात तुम मौके पर रहो ना दूसरी बात काम कोई बचो ही ना है। हनुमान बोले तो जब काम नहीं तो नाम नहीं
और नाम नहीं तो हम यहाँ रुक के क्या करें, अपने घर ही जाएं। राम बोले वैसे इनका विचार यह है, तुम सोच लियो। हनुमान जी सोचत कम है, विचार ज्यादा करे थे। हनुमान जी ने विचार किया कि मैया हमका पहले पावर इतना दे चुकी, कितना पावर के अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस पर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। लेकिन मैया ये बताओ, दो काम बचे हैं, ये कौन करेगा? कौन से दो काम? कहा जब प्रभु जी छींकेंगे, एक तो कोई टाइम पक्का ही नहीं, जब प्रभु जी छींकेंगे तो कौन कहेगा सत्यम जीवाम चरंजीव भवेत, और जब प्रभु जी का जमुहाई है तो चुटकी कौन बजाई है? राम बोले दोनों काम तुम करो, और जमुहाई कब होती? जब कोई सोवे जा। जैसे राम जी सेन कक्ष गए, हनुमान जी चुटकी लगाए खड़े, सीता बोली हट निकल बाहर। हनुमान बोले ड्यूटी ड्यूटी, हम हटी कतई नहीं। तो सिया जी बोली हनुमान तुम जीते हम हारी, ऐसा चले जाओ तुम अयोध्या में रहे हो। हनुमान चले गए। सवेरे सवेरे सरयू किनारे बैठे हैं, पता नहीं कहां से मस्ती आ गई, चुटकी बजे लगी, और हुआ चुटकी बजे ही छींक जमुहाई शुरू, बड़ी भीड़ लगी। वशिष्ठ जी ने कहा हनुमान कहां है? सुमंत कहते अरे हनुमान ही चक्कर में कहां पड़े हो, या कोई बीमारी है? तो वशिष्ठ बोले तब तो हनुमान की जरूरत पड़ी है। काहे? हनुमान जी के इतना बड़ो डॉक्टर कोई धरती भाई नहीं हो। हाँ ना सही रोग हरे सब पीरा, ये हनुमान जी में विशेषता है। तो किसी ने कहा रे फिर यह बीमारी है यो नहीं, बार बार छी छी कर रहे हैं, कुछ भूत बाधक असर हुई। कहीं तो भूत बाधा है, तब वो हनुमान की जरूरत है। कहे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम, लोग कहत न हो नाव बता दो नाव ही काफी। तो भूतनी मंडली में हनुमान जी का नाव काफी है। हनुमान जी महाराज को जब ढूंढने कुछ लोग गए तो देख रहे हैं मेरे हनुमान जी महाराज सरजू के किनारे बैठे हैं, कि तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे प्रभु जानते हैं, प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा हो बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। हनुमान जी महाराज मस्त बैठे भजन कर रहे, कर्मचारी आए हनुमान प्रभु बीमार पड़े, हनुमान जी चुटकी बजाए के आए, कनेक्शन कट गया, तबीयत ठीक। बड़ा आनंद अयोध्या में। एक दिन सीता जी के भाई साहब आए, राम जी से कहते हैं हे मेरे बहनोई साहब, हम अपनी बहना को ले जाऊंगा। मैं बता चुका हूं पुराने समय में बहनोई कहा जाता था, बहन के पति को बहनोई, बहनोई से हो गए जीजा,
और जीजा से शहर में गए जीजू जीजू और 2030 तक का ये हुई है जूजू। बदले सब रहा है, चाचा चाचू दादा दादू, ये फूफा वाला रिश्ता है भाई, फूफा है यहाँ कोई दिन फूफू हुई पता नहीं, एक जगह रहे शहरे में रहे तो फूफा का कहे लाग है फूफ्स, तो हमका देहात में सीधे फूस कहे जी हैं, और शहर वाला रंग धीरे धीरे गांवों में चढ़े लागे, गांवों घर में यह शुरू है, सारे रिश्ते सब धीरे धीरे तो खत्म ही होते जा रहे हैं। खैर लक्ष्मी निधि आकर के विदा करा लगे सिया जी को, तब हनुमान जी का अच्छो ना लग रहे हो। एक दिन राम जी से मिलने आएंगे प्रधान जी, कौन करम, करम कहता है राम सीता जी को बहुत जल्दी विदा करा करके लाओ क्योंकि सीता को सजा देनी है। राम बोले कहा हम होंगे ना छोड़ी हो, करम ने कहा प्रधानी आप ही हमका दिए हो, अब आप छोड़ दे प्रधानी चली जाए तो। राम बोले फिर मेरी सिया की गलती क्या है, प्रधान जी ने वही पुरानी वाली कथा बताई, जब सिया जी गई थी फुलबारी को एक डाल दो पक्षी बैठे आपस में बात कर रहे थे, मादा ने नर से कहा ये लड़कियां इनमें एक सीता है, तो सीता खड़ी हुई के अपन कथा सुने लगी, और जब सुनाया सीता हरण तो सीता ने बहेलिए से कहा इन पक्षियों को पकड़ो, नर उड़ गया मादा पकड़ा गया, सीता जी ने चिड़िया को पिंजरे में बंद किया, ये चिड़िया रो रही है सिया हमें जाने दो पिया के पास, इस समय मेरे गर्भ में बच्चे पल रहे हैं। सीता जी निर्दयी बन गई ना, पिंजरा नहीं खोला, तब ये चिड़िया पिंजरे में दम तोड़ रही है और श्राप दे रही है जानकी, ऐसे गर्भावस्था में तुमको भी अपने पिया से दूर रहना होगा, और यही दोनों पक्षी पति पत्नी अयोध्या में आकर के जन्म लेते हैं, तो भी धोबन के रूप में है, तो प्रधान जी यानी करम, करम राम जी से कहता है कोई बदला ले के लिए परेशान है, विदा करा के लाओ। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, कर्मानुसार 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 फल तो सबको मिलता सही है, मिलता यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जो काया से पातक होई बिन भोगे छूटे ना कोई। तो लक्ष्मण भैया बोले बड़े भैया क्या है, कहे प्रधान जी मन है ना, चलो यह बहाने गौना भी हो जाए, विदा करा लियो जाए। सुनो भैया, ए राम जी करे लगे तैयारी, देखो आप लोग कथा सुने आए हो, गांव वाले तो अलग हिसाब है, बाहर वालन का अलग हिसाब है, लेकिन कथा में आए हो अपनी दूसरी तैयारी से आए हो, मामा ही आ जाओ दूसरी तैयारी, मौसिया के हो आ जाओ दूसरी तैयारी, और ससुराल जाओ क्या कहना, ससुराल के तो स्पेशल तैयारी सबकी हो, हम देखा है कहीं के हो दो दिन का जूता दे आओ, काहे कहीं तो ससुराल जवा से ठंडी है, पड़ोसित कहत का कोट दे हा चार दिन का, काहे कहीं तो ससुराल जाए रहे, मतलब ससुराल की स्पेशल तैयारी। और हम बताए थे ससुराल से संबंधित जितने रिश्ते हैं हर रिश्ते में सास शब्द पहले ही है, ससुर सास सारी सराहत साढ़ू सढ़वाइन,
और फिर उनके लड़का साढ़ू लड़का सड़वता सारे लड़का सरवता सा 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 सबका है बताएंगे आगे। राम जी की स्पेशल तैयारी। और एक चीज और बता दें, ससुराल कब तक होते समझ लो, जले जिंदा हो सास ससुर तले है ससुराल, अब सास ससुर ना हो तो खाली रह जाते हैं रार। तब रार का है जो मिठाई का डब्बा लेके जाइ हो तो चाय पी हो, अब सूखे हथन जाइ हो छूछे चले आई हो, सेवा हुई है फूफा नमस्ते कहो तो चाय बने, याग नहीं कही हो नाए चाय का करी हो तो रुकी हो कि चले जाइ हो, रुके मुडम गईबो करो एक दाई जो निकला चले जो भैया रहन तो खान निकल जाओ उजेरे उजेरे कबई हो। दोबारा बोला लिए या देवा हो है। सुनो, राम जी की स्पेशल तैयारी। हनुमान जी ने देखा प्रभु कहा, राम बोले ससुराल जा रहे हैं, हनुमान बोले हम भी चले मालिक। हाँ बेटा बिल्कुल तैयार हो जा, तुम मेरे प्राण हो। वैसे नीके लगत ना है, अब तैयार भय तो नीके लगे लगे। अब कई के तैयारी हनुमान जी एक राउंड लगाए अयोध्या के इधर उधर। आपो गांव लड़का हुई है इसे हर एक गांव हो ये क्वालिटी, जब कहो मेहमानी जई है तो बढ़िया सूट बूट डाट पहले एक राउंड मोहल्ले में जरूर मार दे हैं। का है ये मोहल्ले वाले देख ले हम कौन फोकस हम जा रहे हैं। अब तो वो हाथ भर मोबाइल हाथ में हो, चाहे हमारे चार्ज हो ना हो बात अलग है। और कानन में वो खुटिया जरूर लगी हुई है, वो फैशन चले लगो। हनुमान जी जब लगाए इधर उधर चक्कर, थोड़े बंदर पीछे पीछे आ गए। कहा हनुमान, कहा हनुमान जी बोले मैं ससुराल जा रहा हूं। किसकी? बोले ससुराल जा रहा हूं प्रभु जी की। सारे बंदर बोले हनुमान जी क्या हम भी चले? हनुमान जी बोले चलो चलैया हो, लेकिन लेकिन का? बोले हाँ हाँ चलो, गौने का मामला जत्ते ज्यादा हो जाओ उतते बढ़िया। कईयो क्वालिटी बंदर, कुछ लाल मुंह वाले बंदर, कुछ करिया मुंह के बंदर, कुछ हुक्कू बंदर, कुछ चिक्कू बंदर। राम ने देखा ये कहां जा रही फौज? सारे बंदर बोले हम ससुराल जा रहे हैं। लक्ष्मण बोले इनका जरूर ले चलो तब है हुआ इज्जत बनी। और लाल मुंह वाले कत्ते सीधे हो देखबे करे। राम बोले तुम लोग नहीं जाओगे। सारे बंदर आए हनुमान जी मेरी यात्रा कैंसिल। हनुमान जी बोले तुम हो मूर्ख, अरे प्रभु जी से कहो जाके वो समदर्शी है। सारे बंदर आए मालिक आप समदर्शी हो? बोले हाँ। समदर्शी का मतलब? बोले सबको बराबर देखने वाला। अच्छा प्रभु हमसे कहते हो राय दो, हनुमान से कहते हो चलो वारे समदर्शी। तो राम बोले ये बताओ तुमका तरकीब बतावा को उपाय को बताई। कहे हनुमान जी जाओ फिर, हनुमान ही कहे तब चलो। सारे बंदरों का झुंड आ गया। हनुमान जी क्या है? लिए चलो प्रभु कहा थे तुम्हें चाहिए तो न हो। हनुमान जी बोले देखो चल सकते हो लेकिन ससुराल है, तुम हो बंदर। एक बंदर कहला तुम कत्ता सुंदर हो है? तुम तो सबसे बूढ़ वाले हो। हनुमान बोले चलो लेकिन हिसाब से रहो, ससुराल में थोड़ा हिसाब से रहा जाए। सारे बंदर बोले हम सब लोग कसम खाते हैं जितना तुम कहोगे उतना ही कहूंगा और जितना ही करोगे उतना ही करूंगा। एडवांस कुछ हो ही ना जो हम पे गुस्सा जाइयो। आए गए गौनहा जनकपुर और नई चीज जान लेके आवे भीड़ होएगा गांव देहात। लगने लगी भीड़, चलो हो भैया वो आए हैं गौनहा झारा झार बंदर लाए, बड़ी भीड़ लगी। हनुमान जी महाराज तनी पेट खजवाए बैठे और जैसे ये पेट खजवाए जत्ते बंदर जो उन करे तो उन करो सब चालू। अब जनकपुर में और भीड़ बढ़े लगी।
हनुमान जी कान पर हाथ मारे तो सब भना भन कान कहे लगे बंदरवा जो बड़कवा करे वहा सब छुटकाया करे। बड़ी भयंकर भीड़, भोजन की तैयारी हो गई, पत्तल पड़ गए, सब बैठ गए। अब भोजन मटेरियल का रहा है, कटहल की सब्जी और पूड़ी। अब तो खैर कुछ माताएं कटहल का जो बीजा होता है छील के बना देती हैं, लेकिन वो स्वाद ना ही रहा, जो स्वाद वैसे हो पुराने हिसाब। हाँ। अब कटहल की सब्जी वाला बीजा हो, अगर जो बहुत तकदीरी हो तो नीके नीके काम बनी। पहल बात या कहा थे कामो नहीं बनते, बन जा ना बिया छोले में लगा दोनों हाथ। अब इस सब्जी के बिया की आओ आनी हो कत्तो सम्हारी छीलो, यागदे कूदी जरूर। हनुमान जी महाराज वो बिया छील रहे थे, वो गवा कूद पड़ोसी के ने करार का रहा है, कहीं जौन करे तो उन करब, कहीं बिया कुदाइन कहीं कुदाओ, कहीं हमारे भय ने कहीं वही मसले के कुदा देने मत डरे जाइए। हम यह करार भय रहे उन करिए तो उन करा। अब बिया के चक्कर में तरा ऊपर धड़ा में पड़ा मुसरू। जनकपुर वाले हंस रहे हैं, वाह भैया वाह, अरे गौने वाले। लक्ष्मण ने देखा, बड़े भैया देखो का हो तो और बुला लो 5000 कम हो तो। राम ने देखा, ए हनुमान ये सब क्या बना रहे हो। हनुमान जी ने देखा, ए बंदरों। बंदर बोले, अए बंदरों। हनुमान जी बोले, का दिमाग खराब। बंदर बोले, दिमाग खराब, क्योंकि करार यह हो रहा है जो उन कही हो वही कही हो। हनुमान जी बोले, हो पूरे बंदर। बंदर बोले, हो पूरे बंदर। अब जनकपुर में और भीड़ लग गई। तब हनुमान जी को याद आया करार वाली बात, जितना कहूंगा उतना ही कहेंगे, जितना करूंगा उतना ही करेंगे। हनुमान जी साइलेंट, सारे बंदर चुप। अब जनकपुर की नारी लेके बैठी ढोलक, दे लागी गारी। हम बता चुके हैं ये गारी भी गाने की बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन गारी इसीलिए गाई जाती थी ताकि खाने वाले यो न मौका पावे कि नमक कम है मिर्चा ज्यादा है, जौन दो चार टोका खाए बस निकल लें। पीकी बद के लोग हंसी मजाक में गाली दिया करती थी, और तब में अब में अंतर इतना ही है। तब जो भी महिलाएं गाली दे रही थी वो अपने अपने रिश्ते नाते को जोड़ करके, अब रिश्ता नाता कुछ ना है, थोक रेटम सरो। जनक जी की 108 रानी वो गारी दे रही थी राम जी की माता जी को, क्योंकि उनका रिश्ता है समधिन वाला। और जनक जी की बहुरिया सिद्ध कुमारी वह गारी दे रही है राम जी का, राम जी की बहन जी को, काहे उनका रिश्ता वह रहा जीजू वाला, माने सरहज थी वो। और राम जी के भी एक बहन थी दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगेरी से पाई। वह राम की सरहज राम की बहन को गाली दे रही है। और वह भीड़ में एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहा है, वो कोई गरियौती ना रहा है, खाली स्वर मिलौती रहा है। मतलब हम जैसे राम राम कह बोलो जो समझ पाए तो उन बोले, ना समझ पाए चुप्पे बैठे। और माताओं में चाहे 10,000 लाइन बैठे हो, 7 लोग बैठे, एक लोग गीत शुरू करें फिर समझ लो पूरी पब्लिक कमा लो। जिनका जरपलाई नहीं मालूम हो वो कान धर के हाथ बड़ी जोर जोर हाली है, और बीच बीच मतलब मुंह चलाए दे हैं कि पड़ोसी और जरूर समझ ले कि गीत इनका है आवत। और एक चीज है, माताएं जब गीत गाती हैं, गावे बजात कभो पेट भर नहीं सकत, का है पेट भरे का सुरुज लाइन बदले के होते, बाकी तो सोने की थारे भोजन वाला होता है। देवी गीत गई है, देवी गीत पूरी रात बिचारी गौती है, अपने तय कुछ नहीं मंगती माता जी से,
मंगती कही की बद कहे अंधरा की आंखी कोढ़ी काया बांझने पुत्र है निर्धन के धनु अपनी थे नहीं मंगती और सुरग लेन बदली हुई है फिर तो सब वही अंधरा और लंगड़ा सब ऐबे करिए वाह। मगर बात ही अगना है अपना अगना आप लोग सोचो हाँ लास्ट उचल रहा है मामला दक्षिणों न चढ़ायो दादा बोलो सच्चे दरबार की हो। तो बहुत बूढ़ी अम्मा बीच में हूं कर रही थी किसी ने देख लिया हूं न करो तुम हो कोई करी आओ बूढ़ा कहीं बिटिया मुहमा दांत नाए हैं सा कहो फा निखरत है और हमारे घरे वाला माँ है कौन कोई करी आओ तो इनका कोई ना दिखान इनका दिखान हनुमान जी और गरियाइन कहका जा गरियावे लागी हनुमान की नानी अब रिश्ता है भाई कहाँ है पता नहीं आओ थोड़ी देर चलो जनकपुर तालियों के साथ में कि देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नानी देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नानी देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नानी श्री राम दशरथ के ललवा तुम हो पई हो गारी रामचंद्र दशरथ के भैया समधिन कह रही है हे रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी हे रामचंद्र दशरथ के ललुआ हर तुम्हारी माता कौसल्या को तुम्हारी माता कौसल्या को अग्नि देव उछल डारी देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी देवे रघुवर को गारी सरहज बोली है अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी का गारी और तुम्हारी बहनी शांता को तुम्हारी बहनी शांता को ले गए जटाधारी देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी देवे रघुवर को गारी अब बूढ़ी नंबर आया हनुमान अंजनी के लाला हनुमान जी बैठे थे खड़े हो गए बस बंद करो ढोलक हमारा ना हम पहले पहले आए लक्ष्मण बोले अघाई ले ससुरारे में तुम हो बैठो गाओ हनुमान अंजनी के लाला तुम हो पई हो गारी हनुमान अंजनी के लाला तुम हो पई हो गारी हनुमान अंजनी के लाला तुम हो पई हो गारी और तुम्हारी नानी अहिल्या को तुम्हारी नानी अहिल्या को इंद्रदेव उछल डारी देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी दे रही रघुवर को जनकपुर की नारी देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी
देखो जहाँ समाज होता है, कोई जरूरी ना है सबकी पसंद हो। हमारी कथा किसी को अच्छी लगती किसी को नहीं, और या हमारी कथा का है या कथा हो रही, कोई जरूरी कि सब खुश हो। बहुत सोचे तो है कहाँ ही सब कथा के चक्कर में पड़ गया, नौटंकी ना झर हुआ करे, अपन अपन भाव है। और ये याद रखिए समाज है समाज संसार। इम्मा तुम सोचो कि हम बहुत नीक काम करी, कब तो नीक काम कर डाल हो, लोग तुमको टोकी है जरूर। एक बाप पूत बूढ़ा बाप था और बेटे से कहने लगा, बेटा समाज का काम है टोकना। बेटे ने कहा, हाँ टोकना काम है, काम ऐसा काहे करो जो टोके जाओ। बूढ़ा बाप कहता है चलो चेक कर लियो। सुनो लड़के घोड़ी बाप पूत चले पैदल, अब लोग टोके लगे, घोड़िया संघम पैदल जाए। बाप कहे लग देखो टोकिन, तो लड़का का लग टोकिन है जब घोड़ी संघम तो पैदल का है बैठो तुम। अब पापा घोड़िए बैठे लड़का पैदल, अब लोग का कहा अपना घोड़िए चढ़े लड़का पैदल जा। बुढ़ो का लग देखो भैया फिर टोके लाग सब, अरे कहे तो तुम पैदल चलो हम बैठे ना टोके है। अब लड़का बैठा बुढ़ो पैदल, तब लोग का कहा वारे कलयुग बोध घोड़िया चढ़ा वही बिचरो पैदल। बुढ़ो कहे ना अब लड़का कहला तुम हूँ घोड़िया बैठो, अब दोनों जने बैठे तो लोग का कहा घोड़िया मरी जा तो क्यों दो बैठ जाते। अब बताए भैया कैसे जाए जो न टोके जाए, तो ये समाज है। अब वो गाड़ी सबको अच्छी लगी लेकिन दुई लोगन नाई भाई, कौन कौन? लक्ष्मण और हनुमान। लक्ष्मण खड़े भाई बंद करो ढोलक, दुई पैसा की पूरी खवाए के उतने समय से लगी पड़ी हो आप लोग। राम बोले लक्ष्मण बैठ जाओ, इनका मौका है गरियावे दियो। लक्ष्मण बोले मौका है हमारे गरियावे, आप पर गरियावे हनुमान की नानी का भी गारी। हनुमान जी खड़े भय रोने लगे, बोले साहब यदि हम ये जानते नानी का नंबर आएगा तो हम ससुराल ना आते। लक्ष्मण किनारे गए, बोले हनुमान जी देखो तुम पहले पहले आए रहो, तुम्हारी नानी गरियावे से ही ना आए रहा है। हनुमान बोले अब तो मैं मुंह बंद कर ले भवा तो भवा। लक्ष्मण बोले वैसे हनुमान एक बार समझ में या ना आई तुम्हारी नानी गरियाई इसको। हनुमान बोले फिर भाई बात चुप हो जाओ। लक्ष्मण बोले चुप तो है हन लेकिन तुम पहले पहले आए रहो, तुम्हारी नानी गरिया बच्चे ही ना आए रहा। हनुमान बोले का चाहते हम चली तले विदा करा के आयो। लक्ष्मण बोले हम ये चाहते हैं एक गाड़ी का परमिशन प्रभु जी से बनवाओ, वह गाड़ी हम गरियाई दे नानी वाला बदला बह ले। हनुमान बोले परमिशन एक कहे पचास एक बनाई है और का जिंदगी में से मांगे कहां हो, सेवा तो करे प्रभु जी हमें मानते हो। बोले तुम तो मेरे प्राण हो। तो हनुमान जी बोले एक गाड़ी गरिया ले दे। राम जी बोले तुम गरिया हो, लक्ष्मण से गरीब आए। राम बोले लक्ष्मण लगायो पावर बढ़िया लेकिन एक ही गाड़ी दे हो। कब? अब की गरिया में था। अब हनुमान जी सोच रहे हैं भगवान ये आगदा गरिया देती नानी वाला बदला हो ही जाए। एक ही आई गई अम्मा, ला ढोलक हमें लाओ बिना सुरताल तो बाजे। कहीं जो बताओ सब अयोध्या के रहे। एक बूढ़ा बोली हई सब अयोध्या के बंदरवा पता नहीं कौन कहा। हनुमान बोले लक्ष्मण शुरू हो जाओ। लक्ष्मण बोले बंदर तो है हो यही मैं कहा गारी भाई। दूसरी बोली दीदी अयोध्या में नई बात भाई जाने हो। लक्ष्मण बोले के हनुमान नई बात का हो गई। हनुमान बोले हम होने जाने, कहीं सब चुप पे रहो सुन ले बताओ बिटिया नई बात का भाई। तो बोली अयोध्या में नई बात ये हो गई हुआ केवल महिलाएं हो, आदमी हो चाहे न हो लड़का बच्चा तब हो भैया। कहीं यह तुम का बताते हो, कहीं बताए तो कहे चार जने तो दही बैठे ना वीर से होते और ना बलबीर से होते। बोलिए मधुपुरी में लड़का देखो खीर
से होते आखिर से होते ना वीर से होते ना बलबीर से होते अवधपुरी में लड़का देखो खीर से होते हाखीर से होते अवधपुरी में लड़का देखो खीर से होते खीर से होते। अरे कहा ना वीर से ना बलबीर से हुआ हो खीर से। अरे चारों जने खीरे गिर आए हनुमान को मिला मौका। हनुमान बोले लक्ष्मण तुम बिन बाप के हो। लक्ष्मण बोले चुप्पे बैठा हो जौन बाबा तौन बाबा। हनुमान बोले चलो हमारी नानी गरिया कोई बात नहीं लेकिन यह आजु जानन है तुम हो बिन बाप के। कह लक्ष्मण याक बात समझ में न आई वैसे तो आपके बाप दशरथ जी रहे कोई ना है खीर के हो। लक्ष्मण बोले का चाहते हो। हनुमान बोले जो परमिशन बनवाए नहीं गाड़ी गरियाओ परमिशन फिर बनिए। लक्ष्मण बोले बंद करो ढालक क्यों हमारी अयोध्या खराब है। जनकपुर में कौन दूध धावा हमरे समय आ गई। अरे एक बूढ़ा बिगड़ गई हमारे जनकपुर में फिर खीर से पैदम नहीं हो। लक्ष्मण बोले हनुमान जनकपुर की नई बात जाने हो। हनुमान बोले हम पहले पहले ना जाने बताओ। तब बूढ़ा का कहते हैं बिटिया ढोल ना बजाए पहले अपने को नई बात सुन ले बताओ बताओ। लक्ष्मण बोले हमारी अयोध्या खराब है माँ की जरूरत है बाप की नहीं है खीर खा ले हम हो गए। लेकिन जनकपुरी में महतारी ना तो जरूरत ना बाप की जरूरत प्याटो में नहीं आवत। तो हनुमान बोले तो फिर आवत कैसे पैदा कैसे हो। लक्ष्मण कहीं सुनाओ कि ना माता ने जाई ना गर्भव में आई। अरे जनकपुरी माँ भौजी धरती फार के आई उनका फोर के आई। जनकपुरी माँ भौजी धरती फार के आई ना माता ने जाई ना गर्भों में आई। ना माता ने जाई ना गर्भों में आई। जनकपुरी माँ जय हो जय हो। जनकपुरी माँ जय हो। जनकपुरी माँ बिटिया धरती फार के आई लुटका फोर के आई। हमारे वहां खेतों में पैदा होता है अनाज या खेतन बिटेवा। तो जत्ती जनी सीता जी का जलम देखी ना वह खट्ट से ढोलक के पाए चुन के नचा हम दीदी जाई थे। और जो नी जनती ना रहे वही बूढ़े तो पूछते हैं अम्मा ये कहा बताए रहे। तब तो बूढ़ा का कहती चुप्पे बैठो सीता खेत पैदा भाई रहे। राम जी कहते हैं माताओं गाओ और गाओ। लक्ष्मण बोले हाँ हाँ गाओ अभी भौजी की बात बतावा। अब की गरियाओ तो हम भैंस वाली कथा सुनाई। बड़ी विचित्र कथा है जनक का पहला विवाह सुनाई ना जी भैंसी के रूप में मिले रहे जनक जी का। लक्ष्मण बोले अब की जो गारी दे तो भैंस वाली कथा गाई। तो दो चार जो ने सबसे बुजुर्ग ही रहा देखी नहाए वही कहती तुम लोग मुंह दिखौली रही हो नहीं अब न कहे कुछ। तो दूसरी कहीं गावे की इच्छा है वो भी कहीं पेट तो भरते नहीं कहीं तो ऐस करो गारी न देव ने भैंस वाली कथा हुई ऐस करो अब ऐस गाओ तो इनकी तारीफ करो सह पोट कहीं देखो तुम तो गदगद हो जाए भैंस वाली गारी न दे। अब का है अब सारी देवियां गा रही है के जनी कोई डारियो जनी कोई डारियो
अरे राम जी पे तो ना चल कोई डारो, राम जी पे तो ना चल कोई डारो, राम जी पे तो ना एक बार ताली बजा सभी लोग बोलो। बने पर तो ना जन कोई डारो, राम जी पे तो ना जन कोई डारो, राम जी पे तो ना जन कोई डारो। माता सिया जी की जो है सुनैना, माता सिया जी की जो है सुनैना, जो है सुनैना सखी जो है सिया जी की जो है सुनैना। अरे अपने नयन संभारो, अपने नयन संभारो, राम पे तो ना जल कोई डारो, बने पर तो ना डारो, राम पे तो ना जल कोई डारो, जनी कोई श्याम जी गुरु जी जन कोई डारो, हाँ जन कोई डारो, राम पे तो ना जन कोई डारो, बने पर तो ना जन कोई डारो, राम पे तो ना जन कोई डारो, बने पर तो ना। हो राम जी ने कहा माताओं पुराण वाले गीत गाओ, एक के बूढ़ी के भैया गवैया तो रहा ये छुटकौ नहीं गावे दिया। तो राम जी कहते हैं जिनकी इच्छा रह गई हो अधूरी, वो लोग इच्छा कर लेना पूरी, कब जब छोटे भैया को हम बनाएंगे बड़े भैया। त्रेता के लक्ष्मण कहलाए और द्वापर में बलराम बताए, शंकरसन यानी त्रेता के लक्ष्मण वही बड़े भैया शंकरसन बलराम बने हैं, और ये जो कन्हैया रासलीला किए हैं ना प्रत्येक गोपी के साथ में नाच रहे थे, ये वही देवियां हैं जनकपुर में जिनकी कुछ इच्छाएं रह गई थी अधूरी, वही इच्छाएं प्रभु जी द्वापर में आकर के इनकी किए हैं पूरी। यानी राम है सो श्याम है और श्याम है सो राम है, राम ही से श्याम और श्याम ही से राम है। कथा कोई भी हो हर कथा में अपनी कथा है, और जीवन का हम लोगों का बस यही क्षण यही पल धन्य माना गया है, क्योंकि श्वासें हम लोगों को गिनती की मिली है, जितनी श्वासें सत्संग में जाएं वो श्वासें सार्थक हैं, और जितना धन हमारा धार्मिक कार्य में लग जाए वही धन हमारा धन्य है एक नंबर में। और बाकी तो ये सबको पता है कि एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई, और जब पिंजरा से पंछी फरार हो, पिंजरा से पंछी फरार हो, एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार हो। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। एक भजन का विशेष निवेदन था मेरे पास, मैंने बताया कि भारत माता के नाम से इसीलिए प्रसिद्ध है, भारत में ऐसी ऐसी देवियां हो गई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना देना, यमराज से अपने पति के प्राणों को छुड़ा लेना, बात उस समय की है जब एक कन्या ऐसी थी
जिसके कुंडली में कोई सुयोग्य वर नहीं लिखा था, फिर भी पिता के कहने पर मानो वर खोजने को निकली है राजा की बेटी, और देखा किसको, इसी को कहते हैं बच्चों के संस्कार। है तो राजा की कन्या, लेकिन वर कौन सा पसंद किया, देखा कि पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, तो ये कन्या कहती है जरा नीचे आओ, तो लकड़हारा कहता है लकड़ी अब बेचे भर की भई ना है नीचे काले। ये लड़की कोई और नहीं है अस्पति की कन्या, इनका नाम था सावित्री, और ये लकड़हारा कोई और नहीं है, ये राजा का पुत्र था। लेकिन समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात, माता पिता अंधे हैं, राज छिन चुका है, ये बेचारे लकड़ी काट करके बेच करके अपना भरण पोषण करते हैं, सत्यवान और सावित्री। ये भजन उसी समय का है जब सावित्री कहती है जरा पेड़ के नीचे आ जाओ, सत्यवान कहते हैं लकड़ी बेचने भर की है नहीं, तो सावित्री कहती है हमें लकड़ी खरीदना नहीं है। अरे तो फिर नीचे काहे बुला रही हो, तो सत्यवान सावित्री के बीच बातचीत होती है, अरे तुमसे डालूंगी भंवरिया पेड़ से उतर आ प्रीतम पेड़ से, तुमसे डालूंगी भंवरिया पेड़ से उतर आओ प्रीतम पेड़ से, ओ तुमसे डालूंगी भंवरिया पेड़ से उतर आओ प्रीतम पेड़ से। सावित्री कह रही है माई बाप ने हुक्म दिया है मैं बर ढूंढन आई, श्याम जी गुरुजी माई बाप ने हुक्म दिया है मैं बर ढूंढने आई, इधर उधर मैं ढूंढ के हारी बैठी आस लगाई, तुमसे 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 लागी मोर नजरिया पेड़ से उतर आती पेड़ से, हाँ तुमसे लागी मोर हो, तुमसे डालूंगी भंवरिया पेड़ से उतर आ प्रीतम पेड़ से, हो तुमसे डालूंगी भंवरिया पेड़ से उतर आ प्रीतम पेड़ से। सत्यवान हंसने लगे और कहते हैं तुम तो बेटी राजन की मैं लकड़ी बेचने वाला, तुम तो बेटी राजन की मैं लकड़ी बेचने वाला, और मेरे साथ में प्यारी तुम्हारा कैसे हुई है गुजारा, मैं तो बेचता लकड़िया करके विचार पहले देख ले, कैसे डालोगी भंवरिया करके विचार पहले देख ले, ओ तुमसे डालूंगी भंवरिया पेड़ से उतर आ प्रीतम पेड़ से, हाँ कैसे डालोगी भंवरिया करके विचार पहले देख ले, ओ तुमसे डालूंगी भंवरिया पेड़ से उतर आ प्रीतम पेड़ से। सत्यवान ने पूरी बात अपनी बता दी, मैं गरीब हूं लकड़ी बेचता हूं। सावित्री भी बहुत संस्कारी लड़की थी, सावित्री कह रही है हम तो बेटी राजन की तुम तनिक न करो बिचारा, हम तो बेटी राजन की तुम तनिक न करो बिचारा, और तेरे साथ में स्वामी हमरा
ऐसे हुई है गुजारा मैं भी बेचूंगी लकड़िया पेड़ से दरिया पे कम पेड़ से तुमसे हो कैसे डालोगी भंवरिया करके विचार पहले देख ले ओ तुमसे डालोगी भंवरिया पेड़ से उतरिया पीतल पेड़ से। आखिर में क्या होता है सत्यवान पेड़ के नीचे आते हैं सत्यवान और सावित्री की पक्की होई कैसा दी सत्यवान और सावित्री की पक्की होई कैसा दी और अमर रहे सिंदूर मांगता बात सुरेश बता दे घर पर हो घर पर घर पर भेज दे खबरिया पेड़ से उतर आए प्रियम अमर रहे सिंदूर बांध का बात सुरेश बता दे अब तो पड़ी है भंवरिया पेड़ से उतर आए बेगम पेड़ से अब तो पड़ी है भंवरिया पेड़ से उतर आए बेगम पेड़ से पेड़ से उतर आए बेगम पेड़ से एक बार सब लोग मुंह जूठा कर लियो जला दर तमन्ना अभी हम नदी भर के हो अभी हम नदी भर के देखा नहीं है अभी हम नदी भर के देखा नहीं बोलिए भक्तों और उनके भगवान की जय हो। बस ये चर्चा मैं इसी जगह विराम करूंगा और बताते चलें कि कल जो है हवन और भंडारे का भी आयोजन है। आप सभी से अपील है कि भंडारे में आप लोग आए प्रसाद पाएं और जो भी दर्शकगण हमारे इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल सुरेश अवस्थी के माध्यम से अथवा अब आज के समय में गुरुकुल बहुत कम रह गए हैं गुरुकुल में बच्चों को लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं और बच्चों के अंदर संस्कार यदि आते थे तो वो गुरुकुल की पढ़ाई के माध्यम से आते थे। भैया कहते गुरुकुल में हुआ का बड़े हैं बढ़िया विदेश हम पढ़ाओ पढ़ाई लो विदेश हम अस्पताल में मरीज पड़े हुई हो भैया देखे ना जात बढ़ो कहते हैं डॉक्टर साहब का भैया आए ना है और भैया जी बहरेज पेमेंट कहीं के निकल गए कहीं मुझे तो शर्म आती है बुढ़े के पास जाने से हैं तो या गलती लड़के ने थोड़ो या जैसे पढ़ाई नहीं पढ़ाए हो तो वृद्धाश्रम में यही लिए बच्चे छोड़ रहे हैं बूढ़े माँ बाप को क्यों कि कोई संस्कार वाली पढ़ाई उनका पढ़ाई नहीं गई। ये छोटा सा प्रयास मेरा चल रहा है नैमिष धाम में जरूर आप पधारें। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी नंबर पे हमारे संपर्क स्थापित कर सकेंगे आप सभी के मोबाइल फोन और टेलीविजन की स्क्रीन पे हमारे नंबर चला करते हैं। अब देखो गुजरिया मानती नहीं है फिर प्रयास करता हूं और मान ले गुजरिया मेरा कहना सुनती हो आए? हाँ अच्छा आज बड़की गुजरिया गई और दान दे दो दही का मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही का नामा तू श्याम तेरा कहना क्या नामा तू श्याम तेरा कहना दान
भगवान आप छोड़ दो तो मान जाऊंगी। सब लोग तालियों की सेवा करिए भैया, हो सकता गुजरिया मान जाए। दे दो दही का दान, दे दो दही का, ना दू दही का दान, ना दू दही का, मान ले आहा, मान ले आहा, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मान जाओ दक्षिणा ले लो, मान जाओ इसी पर के थोड़ा बैठ जाओ, अब मनी हो ना ये सब दक्षिणा हमरे तरह। मान जाओ गुजरिया, हम मान जाओ, कम नहीं है, मान जाओ, मान जाओ। अब तुमने जाने कत्ता दही मिल गई हमें। हाँ ले आओ, यह देखो बड़ी वाली गुजरिया, ये तुम्हारी सखी है, ये बूढ़ी गुजरिया। मान ले, मान लो, अब देखो मान जाओ। मान ले गुजरिया मेरा कहना, हो दान दे दो दही का। ना मानु जाम तेरा कहना, मान दान ना तू दही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का, ना तू दही का दान, ना तू दही का। मान ले, अरे मान ले, अब मान लो, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानु जाम तेरा कहना, दान ना दू दही का। कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, गुजरिया हाँ श्याम, चारों तरफ दक्षिणा है, मान जाओ, आहा मान जाओ, आहा कौन शहर को तुम्हें जाना, ये गुजरिया हाँ श्याम, कौन शहर को तुम्हें जाना, हो दान दे दो दही का। ना मानु जाम तेरा कहना, दान ना दू दही का। दक्षिणा ले मान जाओ, आहा, अरे मान जाओ, आहा आहा, ये सब भाव तुम्हारा खराब किए। दे दो दही का दान, दे दो दही का, ना दू दही का दान, ना दू दही का। मान ले, आहा, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही। ना मानु जाम तेरा कहना, दान ना दू दही का। कहाँ रहती हो ये बताओगी जरा? परेशानी ले गुजरिया मेरा कहना, हो दान दे दो दही का। ना मानु जाम तेरा कहना, दान ना दू दही का। मान जाओ, आहा, तुम मान जाओ। कंसो मामा तेरो कौन लगती है गुजरिया, हाँ श्याम, कंसो मामा तेरो कौन लगती है, या भैया या तेरो सजना, ये गुजरिया श्याम, या भैया या तेरो सजना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही। मान जाओ, कंस कौन है तुम्हारा बता दो जल्दी। कंस है
गुजरिया मेरा कहना हो दान दे दो दही का नहीं बनी हो आहा तो मान जाओ आहा अरे मान जाओ आहा एक बात कहे कहो तो को मंगाई बेबे चटक चुनरिया पैसे हैं ये सब का तो मंगाओ तो को मंगाई बेबे चटक चुनरिया और मिठाई वालों दो ना गुजरिया और मिठाई वालों दो ना लेकिन दान दे दो दही का मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही ना मान जाम तेरा कहना दान ना दो दही का मान जाओ आहा आहा चुनरिया ला देंगे ना चाहिए मोहे चटक चुनरिया बोलो ना मिठाई वालो दो ना ताना तू दही का मान ले गुजरिया मेरा कहना हो दान दे दो दही का ना मनु जाम तेरा कहना ताना तू दही का दान दे दो दही का ताना तू दही का दान दे दो दही का ताना तू दही का दान दे दो दही का मान ले आहा मान ले आहा मान ले आहा मान ले आहा राधे सही न दियो एक बात कहे सुन ले ब्रस भानु किशोरी जो मोसे न खेली होरी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी तू सुन ले ब्रस किशोरी जो मोसे करी मरी जोरी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी मेरी कट्टी है जाएगी राधे सुन ले व्रस भानु किशोरे जो मोसे न खेले हो तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी मेरी कट्टी है जाएगी मौसम आया मतवाला है तू बरसाने की बाला है बोलो राधा रानी सरकार की हो मौसम आया मत वाला तू परेशान की वाला है मैं गोरी हूँ तू काला है तू करता गड़बड़ झाला है तो लाया रे लाल कमोरी तो मौसे न खेली हो रे तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन ले ब्रस भानु किशोरी लोगों से न खेली होरी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी 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 दे दही का दान दे दे दही का दही का दान दे दे दही का दादू दही का दान दादू दही का मान ले आहा मान ले आहा तो तेरी मेरी
कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी भक्त खड़े हो जाओ। हो सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। उतारो ऐ सखी, हाँ उतारो रे सखी, उतारो ऐ सखी, हाँ उतारो ऐ सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। के सुत राम बबुआ, के सुत लक्ष्मण, के सुत राम बबुआ, के सुत लक्ष्मण, के सुत राम बबुआ, के सुत लक्ष्मण, के सुत भरत भगवान ये सखी, सीताराम जी के आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की उतारो रे सखी, हाँ उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, हाँ उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, के कैके भरत भगवान ये सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की जय श्री राम उतारो रे सखी, मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी, मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, हाँ उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, हाँ उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की कौन रंग राम बबुआ, कौन रंग लक्ष्मण, 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 कौन रंग भरत भगवान ये सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी, मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी। सावल रंग राम बबुआ, गोरे रंग लक्ष्मण, सावल रंग राम बबुआ, भरत पीता रंग भरत भगवान ये सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी।
उतारो रे सखे, हाँ उतारो रे सखे, उतारो रे सखे, हाँ उतारो रे सखे, सीताराम जी के आरती उतारो रे सखे, तेरे राम जी की राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे हो प्रभु जीवन के धन मेरे हम परिणाम ये सखी सीताराम जो के आरती उतारो रे सीताराम जी की आरती उतारो रे ओ मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी मेरे राम जय हो श्री राम उतारो रे सखी उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी उतारो रे सखी मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी जय श्री राम उतारो रे मेरे राम जी की आरती उतारो रे कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भव भवानी दैत्यम नमामि नीलांबुज श्याम गोपलांगम सीता कुमारो विद्वान भानम कालो महानायक दारुणोपम नमामि नमामि रघुवंशनाथ सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी सीताराम जय श्री उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी सीताराम जी की उतारो रे सखी और एक बार लगाओ राम जी के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी हाथ उठाए सारे लोग और मस्ती के साथ में बजाए ताली आरती उतारो रे सखी मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की हो आज के आनंद की।